घर घर के अंदर सौहार्द पूर्ण वातावरण के निमित्त यह काम किया है। ये जब छोटे छोटे उद्योग बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार ने भी सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत उसके लिए ना स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए, लेकिन वो जब चालू हो जाते हैं उद्योग तो वापस नहीं हो जाती है। आपका विषय हर तरह में बात करता हूँ आज तो हमने क्या इससे क्लियर करना हो तो बता दीजिए। कॉलोनियों में रेजिडेंशियल मकान है उनके अंदर बड़े बड़े स्कूल नर्सिंग होम हॉस्पिटल कर रहे हैं उनके लिए स्टैंप ड्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं मंत्री? ये मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई जो और नाम परिवर्तन की जगह है जैसे बिजली विभाग है नगर निगम है उनमें तो पुराना ही सिस्टम चलेगा कि इसमें उसमें भी कुछ बदलाव करेगा? जैसे मान लीजिए मेरे नाम मकान है कोई हुआ तो वो रजिस्ट्री हो गई 5% 7% जो आप बता रहे, फिर वहाँ नामांतरण चेंज कराने के लिए 1.5% वहाँ जमा करना पड़ता है अपने स्टाम्प विभाग का भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पिताजी आपको लिखेंगे, आपके आपके भाई आपको लिखते हैं तब आप मालिक बनते हैं, जब आप मालिक बनते हैं तो रजिस्ट्री विभाग भी आते बनने के पहले तो आप वहाँ पर स्टाम्प पे करते हैं तब मालिक बनते हैं आप। हम छूट वहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, ये माना जाए कि एक परिवार में 10 लोग है तो लगभग 25-26 लाख परिवार होते हैं, 25-26 लाख परिवार होते हैं, 2,58,000 परिवार है जिसको 6 माह में यूज किया था, यानी प्रदेश की लगभग 10% की आबादी के लोगों ने या 6 महीने का इसका आया था योजना इसका लाभ आया था। अब यह नियम बनाएगा स्थायी, अब इसके पहले आया था 6 माह के लिए, तो सर ये रेवेन्यू बन गया स्थायी, जो रेवेन्यू का नुकसान सरकार को हो रहा है ये पूर्ति कहाँ से? सरकार तो व्यापार नहीं करते, सरकार जनता ही काम करती है। विभाग ने घर घर के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निमित्त यह काम किया है। ये जब छोटे छोटे उद्योग बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार ने भी सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है 2.5 लाख रुपए, लेकिन वो जब चालू हो जाते हैं उद्योग तो वापस नहीं हो जाती है। आपका विषय हर तरह में बात करता हूँ आज तो हमने क्या इससे क्लियर करना हो तो बता दीजिए। कॉलोनियों में रेजिडेंशियल मकान है उनके अंदर बड़े बड़े स्कूल नर्सिंग होम हॉस्पिटल कर रहे हैं उनके लिए स्टैंप ड्यूटी के लिए क्या कर रहे हैं? मंत्री ये मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई जो और नाम परिवर्तन की जगह है जैसे बिजली विभाग है नगर निगम है उनमें तो पुराना ही सिस्टम चलेगा कि इसमें उसमें भी कुछ बदलाव करेगा? जैसे मान लीजिए मेरे नाम मकान है कोई हुआ तो वो रजिस्ट्री हो गई 5% 7% जो आप बता रहे, फिर वहाँ नामांतरण चेंज कराने के लिए 1.5% वहाँ जमा करना पड़ता है अपने स्टाम्प विभाग का भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पिताजी आपको लिखेंगे, आपके आपके भाई आपको लिखते हैं तब आप मालिक बनते हैं, जब आप मालिक बनते हैं तो रजिस्ट्री विभाग भी आते बनने के पहले तो आप वहाँ पर स्टाम्प पे करते हैं तब मालिक बनते हैं आप। हम छूट वहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, ये माना जाए कि एक परिवार में 10 लोग है तो लगभग 25-26 लाख परिवार होते हैं, 25-26 लाख परिवार होते हैं, 2,58,000 परिवार है जिसको 6 माह में यूज किया था, यानी प्रदेश की लगभग 10% की आबादी के लोगों ने या 6 महीने का इसका आया था योजना इसका लाभ आया था। अब यह नियम बनाएगा स्थायी, अब इसके पहले आया था 6 माह के लिए, तो सर ये रेवेन्यू बन गया स्थायी, जो रेवेन्यू का नुकसान सरकार को हो रहा है ये पूर्ति कहाँ से? सरकार तो व्यापार नहीं करते, सरकार जनता ही काम करती है। बड़ा फैसला किया गया स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, स्टैम्प ड्यूटी को लेकर क्या कुछ नया है जो आज प्रेस वार्ता में आपने बताया है? आप जानते हैं कि हर खेत का हर घर का कोई ना कोई मालिक होता है, वह जब मलकाना चेंज करता है तो खरीद बिक्री करता है, बिक्री करता है उसको, लेकिन दूसरा होता है कि अगर बिक्री नहीं करते तो उनके बच्चों का नाम आता है। अधिकांश देखा गया है कि इस कोर्ट के अंदर काफ़ी विवाद चलते हैं, परिवार के ही जमीन के मकान के झगड़े हैं, तो यहाँ पर अगर एक पिता अपने बच्चों को जीते जी प्रॉपर्टी को लिखना चाहता है ताकि भविष्य में विवाद ना हो तो वहाँ पर 7% के शाम रखता था शहर के अंदर, अब यहाँ पर लगेगा केवल 5%।
चाहे प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, वह केवल 5,000 रुपये में अपने बच्चों के नाम पर, भाई भाई के नाम पर, भाई बहन के नाम पर, यहाँ तक नाती पोता को लिखेगा तो इन पर केवल 5,000 रुपये की स्टाम्प लगेगी, सर्किल नहीं लगेगा। मान लीजिए क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गोमती नगर का क्षेत्र है, उसका सर्किल रेट जो है करीब जो भी आता हो उस हिसाब से जो कॉस्टिंग, मान लीजिए हम गोमती नगर बात करते हैं, एक पॉश कॉलोनी है, अगर वहाँ पर 4,000 स्क्वायर फीट की प्लाट है तो कम से कम उसकी सर्किल आती है 2 करोड़ रुपये, और 2 करोड़ पर स्टाम्प लगता है 14 लाख रुपये। अब कोई पिता है, उसके 1-2 बच्चे, चाहता है कि मैं बच्चों को लिख दूँ, आज ही लिख दूँ ताकि विवाद ना हो, तो उनको 14 लाख रुपये स्टाम्प देना पड़ता था, अब उन्हें देना है केवल 5,000 रुपये। अपने 1 बच्चों में 4 बच्चों में यहाँ तक कि नाती पोतों में जो उनकी इच्छा है वैसे उसको रजिस्ट्री कर देंगे, और पूरे रजिस्ट्री में जो स्टाम्प है वो केवल लेना है 5,000 रुपये। काफ़ी बड़ा फैसला है इसका, जियो कब तक लागू होगा? बस 2 दिन वो फाइल चला। ये तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जतिन जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पे बताना है कि जिस प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी, पहले स्टैम्प ड्यूटियों की कीमत अलग रहती थी लेकिन अब 5,000 रुपये से घोषित कर दिया गया है, क्षेत्र जितना बड़ा भी हो 5,000 रुपये में स्टैम्प ड्यूटी करके उसका सत्यापन या फिर उसको रजिस्ट्री को अपने नाम बदलवाया जा सकता है। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।